60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है। कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं, मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले। साथियों, 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इस बार जब आप 19 तारीख को वोट देने जाएं ना, तो बटन दबाते समय बटन ऐसे दबाइए ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।